नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाओं। JVN प्रोफेसर मंजू शर्मा, प्रोग्राम नेम BEd सेकंड सेम, कोर्स नेम पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस, सेशन नेम इवेल्यूएशन इन टीचिंग सोशल साइंसेस, यूनिवर्सिटी नेम ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। आई वेलकम टू ऑल। टुडे आई एम डिस्कसिंग इवेल्यूएशन इन टीचिंग सोशल साइंसेस। इवेल्यूएशन मूल्यांकन, इवेल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑन लर्निंग एंड लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिस्कस्ड लर्निंग कंटेंट इन ऑर्डर टू मॉनिटर लर्नर्स प्रोग्रेस। डिफरेंट मैथड्स आर यूज सच एज ऑब्जर्वेशन, checklist, discussions, anecdotal records, rating scale, interviews, questionnaire, overall are included in evaluation method of learners. Assessment is the primary means by which student tell if and how they are progress. बालकों ने क्या पढ़ा है, जो गोल लेके चले वो गोल उनको मिला या नहीं मिला है, इन सब का पता जिस तकनीकी के द्वारा लगाया जाता है वो हमारी मूल्यांकन प्रक्रिया कहलाती है। टीचिंग इज वर्किंग, द प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट इज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग एंड टीचर्स टीचिंग एज बोथ स्टूडेंट्स लर्निंग एंड टीचर्स टीचिंग एज both student and teacher respond to the information that it proves. Purpose of evaluation. Evaluation help to build an educational program, assess its achievements and improve upon its effectiveness. It serve inbuilt monitor within the program to review the progress. In learning form, time to time, it also provide valuable feedback on the design and the implementation of the program. What is the importance of evaluation? It is important to periodically assess and adapt your activities to ensure they are as effective as they can be evaluated. Evaluation can help you identify areas for improvement and ultimately help you realize your goals more efficiently. Education, environment or evaluation. पर्यावरण के साथ जो क्रिया और प्रतिक्रिया की जाती है, शिक्षा अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया को स्वयं के द्वारा या अन्य के द्वारा जो कसौटी पर परखा जाता है, यही कसौटी मूल्यांकन कही जाती है। मूल्यांकन में ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, शिक्षा क्रम क्या है, शिक्षण प्रक्रिया क्या है और अधिगम कितना हुआ है, इन सब का असेस किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में कार्य की ओर अग्रसर होने के लिए उद्देश्य निरूपण अपेक्षित होता है। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई, छात्रों ने कितना अधिगम किया, इसका समाधान मूल्यांकन द्वारा ही संभव है। मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रथम मूल्य वैल्यू और द्वितीय अंकन मूल्यांकन। मूल्य का अंकन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन में इस सत्य का निर्णय लिया जाता है कि मूल्यांकन अच्छा है तो क्यों है, और अगर कमी है तो कौन से ऐसे कॉजेज हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे गोल को प्राप्त करने में परेशानी आई।
सामाजिक विज्ञान शिक्षण में शिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां एक अधिगम के बारे में निर्णय लेना ही मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन छात्रों का मात्रात्मक विवरण प्लस मूल्य निर्णय। मूल्यांकन छात्रों का गुणात्मक विवरण प्लस मूल्य निर्णय। मूल्यांकन बराबर मात्रात्मक विवरण प्लस गुणात्मक विवरण प्लस मूल्य निर्णय। डेफिनेशन JW राइटस्टोन के अनुसार मूल्यांकन सापेक्षिक रूप से नवीन प्राविधिक पद है जिसका प्रयोग मापन की धारणा को परंपरागत जांचों एवं परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप में व्यक्त करने के लिए किया गया है। मूल्यांकन में व्यक्तित्व संबंधी परिवर्तन एवं शैक्षिक कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। इसमें केवल पाठ्य वस्तु की निष्पत्ति ही नहीं वरन वृत्तियों, रुचियों, आदर्शों, सोचने के ढंग, कार्य करने की आदतों अथवा व्यक्तिगत एवं सामाजिक अनुकूलन भी निहित है। मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिनमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं। मूल्यांकन क्षेत्र के अंतर्गत छात्र के व्यक्तित्व के निम्नलिखित प्रमुख पक्ष आते हैं: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल्स, प्रवृत्तियां, अभिवृत्तियां, टेंडेंसी, एटीट्यूड, वैल्यूज, ओवरऑल आर इंक्लूड इन मूल्यांकन पर्सनालिटी ऑफ लर्नर। छात्र की त्रुटियां, मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट, ज्ञान में विषय वस्तु से संबंधित कितना ज्ञान अर्जित किया है, अवबोध में छात्र सीखे